फफूंद थाना क्षेत्र के कस्बे स्थित दीपक ज्वेलर्स का मामला। जी हां, घटना उस वक्त की है जब दीपक ज्वेलर्स की दुकान पर दो लोग आए और पेंडल दिखाने को कहा। दीपक द्वारा डिब्बी से पेंडल ट्रे में रखकर दिखाया जा रहा था, तभी उसके एक साथी ने पेंडल की पास रखी डिब्बी को चुपके से जेब में डाल लिया। यह पूरी घटना पड़ोसी ने देख ली। तत्काल पड़ोसी द्वारा दीपक ज्वेलर्स की दुकान पर आकर बैठे हुए व्यक्ति से पेंडल डिब्बी के बारे में पूछने लगा। इतना होते ही दोनों व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश करने लगे, तभी पड़ोसी उसे पकड़ने के लिए भिग गया। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों को भागते देख पब्लिक द्वारा एक को पकड़ लिया, दूसरा व्यक्ति भागने में कामयाब हो गया। पब्लिक ने पकड़ चोर की धुनाई। पकड़े गए चोर ने खुद मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी थाना राजपुर के गायत्री कॉलोनी निवासी सलमान का दिया परिचय। पूरी घटना की जानकारी तत्काल फफूंद पुलिस को दी गई। तत्काल घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर आरोपी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी को पुलिस अपने साथ ले जाकर पूछताछ में जुट गई। चार पच्चीस सर ऑफिस के बीच में आगे हम लोग पकड़े बाबू, फिर सामने और लोग आए। बिल्कुल वो तो भारत भागन बहुत कुछ करी, शर्ट फट गई अभी। इतनी मार इतनी मैं वो भाग गया था भाई। भाई जो है इसने अब देखना वो कितनी फुर्ती में था। हमें नक्शा बना रहे हैं उनका मकान, हमें बता रहे हैं हमने किट का दिखा। हमने बात हमने कहा तो हमने पौधा ले लो, मैं बता दिए हमें ऐसे देखे रहे ऐसे देखे वो पूरा घेरे पड़ा है पूरा। अब हम ठीक हो गया।